मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। और टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? क्या रहा वो देख ले, 7:15 हो गए हैं। तो अभी मैं फ्री हुई थी, पेशेंट नजर आते, मैंने कहा चले जो मेरा काम है वो तो कर लूँ ना, काम के साथ साथ वो काम और ये भी काम, से दोनों काम से बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं जी बैठती हूँ, ये रिसेप्शन है। और वैसे भी तो बनने दो आपको, मतलब कि जॉब मैं जॉब करती हूँ वो तो मैंने आपको हॉस्टल का तो भी सेट करवा ही दिया था। तो चले आज बाहर का व्यू देखते हैं, बाहर का मौसम वैसे तो मतलब कि अच्छा है। और मतलब कि अंदर जोश और ना गुस्सा है, बहुत स्मोक है यार आज तो, बाहर बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है और कोई चीज नजर नहीं आ रही है देखने में। कुछ नजर आ रहा है पर आपको? कितनी स्मोक है ना सुबह सुबह, हो स्मोक, सर्दी और धुंध। मैं बाहर का व्यू दिखाती अभी आपको, तो मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से भी सुबह सुबह धुआं निकल रहा। और इस मौसम में कभी गर्मा गर्म चाय हो या कॉफ़ी हो और साथ में एग बॉयल किया तो क्या मज़ा आता नाश्ता करने का, पर मेरी किस्मत में ये कहाँ। अभी तो मैं फिर 10 बजे मुझे छुट्टी होगी, 11 बजे फिर मैं घर जाऊँगी, फिर घर जाके नाश्ता बनाऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी, फिर खाना नसीब होगा, नहीं तो अभी भूखे खाली पेट बैठे रहो बस। और वाटर पिया और कुछ भी नहीं खाया मैंने, तो जरा और दिखाता हूँ ज़रा बाहर से मैं आपको। का मौसम और 7:15 हो रहे हैं, ये मौसम है लाहौर का जनाब। और ये गेट है और ये मैं हूँ और ये एंट्रेंस है हमारी हॉस्पिटल की। कैसा लगा आपको बाहर का मौसम? इतनी सर्दी और इतनी ठंड में बंदा क्या करे फिर। और आज तो बहुत सर्दी थी और इतनी सर्दी थी कि बस मैं बैठी रही और मुझे सर्दी के वजह से नींद बिल्कुल नहीं आई। और इतनी स्ट्रगल करती है ना औरतें, आदमी तो करते करते औरतें बेचारी इतनी स्ट्रगल करती है ना, बाद में उनको मिलने देखने को क्या मिलती, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, औरतें करती क्या है, औरत करके हर जगह, मतलब कि औरत को कहते हैं औरत गलत है, औरत गलत है, औरत। और मैं ना औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, औरतों के तहफ़ के लिए, और मतलब कि औरतों की इतनी होनी चाहिए, इतनी मतलब कि होनी चाहिए वो अपनी मर्ज़ी से उठें बैठें आएं जाएं खाएं भी, इतनी आज़ादी नहीं होती जैसे यूरोपीय कंट्रीज़ में होती है, ऐसी आज़ादी नहीं, ऐसी आज़ादी कि बस थोड़ा सा औरत को भी हक होना चाहिए। औरत जॉब ना करे, औरत अगर ने पढ़ लिया तो बस वो बच्चे पैदा करे और घर में रहे और घर वालों को देखे, आदमी पढ़े हैं या अनपढ़ हैं वो आदमी बस जॉब करें और घर को दे, घर को आदमी ने क्या देखना होता है, औरतों ने घर को देखना होता है। तो यार औरत भी पढ़ी लिखी है तो जॉब करे, मतलब कि वो हमारा मुआशरा ही बस ऐसा है, इसलिए बाहर की कंट्रीज सो बेस्ट हैं, औरतों को तहफ़ भी है, औरतों की आज़ादी भी है, वो जो चले उनको मतलब जो बचपन से सिखाया जाता है कि औरत एक आज़ाद है, और औरतों जब वो 40 साल की हो जाती है तब भी उनको गवर्नमेंट खर्चा देती है, पैदा होने से 18 साल तक का आपको गवर्नमेंट खर्चा देती है बच्चों का। और हमारे मुल्क में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। यहाँ तो पढ़े लिखे बंदे को जॉब नहीं मिलती और सिफारिश के बिना जॉब नहीं मिलती, तो यार यहाँ पे क्या कुछ नहीं, इस मुल्क का तो अल्लाह हाफिज़ है। और मैं रहती तो इस मुल्क में हूँ लेकिन इस मुल्क का, हमारे मुल्क का कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जस्ट पैसा, सिफारिश और सारे काम है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो बस बस सुबह ऐसे मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, तो चलिए कोई नहीं ऐसा चलता रहता लाइफ में, अब मुल्क छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, इसी मुल्क में रहना है। और बस चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त, प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।